राजद के मगध प्रमंडल प्रभारी सह विधान पार्षद प्रोफेसर रामबलि सिंह चंद्रवंशी ने बिहार सरकार के जल्द गिर जाने का दावा किया। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामबलि सिंह ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई और जनहित की समस्याओं को लेकर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधान पार्षद ने जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण महंगाई आसमान छू रही है। पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार ने जनता को परेशानी में डाल दिया है। बढ़ती महंगाई और जनता की परेशानियों को देखते हुए राजद कार्यकर्ता 18 जुलाई को बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी और साइकिल के साथ प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही 19 जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, ये सरकार अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। इस मौके पर स्थानीय विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, जिला प्रभारी धर्मेंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, छत्रधारी यादव, मनोज यादव, नागेंद्र मेहता, आदित्य मिस्त्री, संजय यादव सहित बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं वह है समस्या महंगाई की, जिसके बारे में बताने से ही लगता है कि सबके अंदर है कहीं ना कहीं सेंसेशन हो जाता है। तो वह महंगाई क्यों है, कैसे है, इस पर हमारी पहली पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तहत या महागठबंधन के भी साथियों के सहयोग के द्वारा उसके खिलाफ है, राष्ट्रव्यापी नहीं तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने का हम लोग काम किए हैं। उसी आंदोलन के तहत 18 तारीख को यानी 18 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय पर या प्रखंड के जो प्रमुख कस्बा है, जहां पर अच्छी आबादी है, जहां पर लोग जुटते हैं, जहां बाजार है, कस्बा है, वहां पर लोग जुट करके जो भी परंपरागत सवारी है, साइकिल हो, बैलगाड़ी हो, टमटम हो, ठेला हो, इन सब वाहनों से कार्यकर्ता अपना झंडा लगा करके आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। यह है नीतीश कुमार जी, उनका भी पुतला दहन किया जाएगा। यह 18 जुलाई के प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम तय किया गया है पार्टी के मुख्यालय की ओर से। अब पूरे बिहार में 500-1400 प्रखंड में यह कार्यक्रम एक साथ एक दिन तय है। जिला के सब साथियों के सहयोग से उसी तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे, जुलूस निकाले जाएंगे। नीतीश कुमार हर बिंदु पर फेल है, उनके पार्टी में बहुत जल्दी टूट होने की संभावना है और यह सब लोग जान रहे हैं। सरकार भी बहुत जल्दी चंद दिनों की मेहमान है, लेकिन वह सरकार गिराने में कहीं से राष्ट्रीय जनता दल नहीं लगी हुई है और न इस पर विश्वास करती है, बल्कि अपने भार से, अपने कुकर्मों से अपने काम नहीं कर रहे हैं। अपने महंगाई बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, लॉलेसनेस है, विधि व्यवस्था की समस्या है, बालू की बात कर लें, शराब की बात कर लें, सब जगह पूरा अराजकता है। अब शराबबंदी जो बंद हो गए, उसके बाद देखिएगा जहरीली शराब से मरने वाले की संख्या आज अखबार में देख रहा था कि 16-16 पहुँच रहे हैं, एक एक दिन में 16 लोग मर जा रहे हैं। तो क्या शराबबंदी सही में लागू है? इस पर समीक्षा भी नहीं करते हैं मुख्यमंत्री। तो इसलिए मुख्यमंत्री के बारे में कितनी चीज़ों को गिनाए यह संभव नहीं है, लेकिन महंगाई एक समस्या ऐसी जो है जिससे हर घर प्रभावित है, हर बिहार के लोग प्रभावित है, हर देश के लोग प्रभावित है। उसे बड़े मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल ने अपनाने का काम किया है बड़े दल होने के नाते, और इसका अंजाम तक पहुँचा करके हम लोग दम लेंगे।